बीजेपी का जो संस्कार है उस संस्कार पर इन्होंने परफेक्ट बात कहा है। दिनेश लाल ने गलत नहीं कहा है। दिनेश बाबू जो बीजेपी की मूल भाषा है उसका सम्मान किए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नीरव मेरे भाई है, छोटे भाई है। मेरी शुभकामनाएं साथ हर समय रही है और मेरा सदैव आशीर्वाद जब तक जिंदा हूँ मैं इनकी कामयाबी का और कामयाबी के लिए मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि केवल लड्डू लड्डू कहवाओ, लड्डू किसी के मुंह में न जाए, और दिनेश लाल ने जो कहा, जो देशभक्त यादव हैं वो मेरे साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। आज जो बेकार यादव हैं, डरपोक यादव हैं वो सपा में होंगे जी। उनके कहने का मुख्य मतलब ये था कि बीजेपी में जितनी यादव हों, चाहे छत्री हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे वहा हो, चाहे राजभर जो भी हो जी, वो देशभक्त हैं। वो गाय के दूध में डुबकी लगा लेते हैं तब बीजेपी में जाते हैं जी। वो पूरा दूध से पहले नहाते हैं तब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं, और जब बीजेपी से वो निकल जाएंगे तो फिर अपराधी हो जाते हैं। आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल पर सर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, नमस्कार। सादर जय भीम। सर मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये है कि आजमगढ़ के नव निर्वाचित सांसद माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक बयान दिए हैं कि जो देशभक्त यादव हैं अच्छा। वो भाजपा के साथ हैं, हमारे साथ, और जो बच रहे हैं और यादव वो अखिलेश यादव जी के साथ, जो अपराधी टाइप जी वही हुआ कि जैसे जो अखिलेश यादव के साथ जी जो बचे खुचे यादव हैं, और जो यादव बहुजन समाज पार्टी में हैं जी उन यादव के लिए नहीं कुछ कहा उन्होंने जी। नहीं, उन्होंने यही बोला है जो देशभक्त यादव हैं वो बीजेपी के साथ हैं, जो देश के हित में जो कार्य करता है वो बीजेपी के साथ है, और बाकी जो बच रहे हैं यादव वो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। तो इस पे काफ़ी विवाद चल रहा है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने सही कहा, उन्होंने गलत एक शब्द नहीं कहा है जी। देखिए, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ जी। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ नहीं जी, मैं सोशल व्यक्ति हूँ जी, समाज के लिए काम करता हूँ। शोषित वंचित दबे कुचले अधिकार वंचित समाज के लिए मैं काम करता हूँ जी। मैं नेता नहीं हूँ, ना नेतागिरी पर मुझे कोई भरोसा है जी। लेकिन सवाल जो आपने दिनेश लाल पर किए हैं जी, तो जो उन्होंने कहा है कई बार मैंने भी देखा है मोबाइल पर, बहुत सारे लोगों ने उलूल जुलूल बयान दिया है जी। लेकिन दिनेश लाल ने गलत नहीं कहा है जी। दिनेश बाबू जो बीजेपी की मूल भाषा है जी उसका सम्मान किए। आदमी जहां रहता है जी वहाँ की नियत, वहाँ की नीत, वहाँ के विचार, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति को लेकर चलता है जी। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है जी कि केवल लड्डू लड्डू कहवाओ, लड्डू किसी के मुंह में न जाए जी, और दिनेश लाल ने जो कहा कि जो देशभक्त यादव हैं जी वो मेरे साथ हैं जी, बीजेपी के साथ है। आज जो बेकार यादव हैं, डरपोक यादव हैं जी, वो सपा में होंगे जी। उनके कहने का मुख्य मतलब ये था कि बीजेपी में जितनी यादव हों, चाहे छत्री हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे कुशवाहा हों, चाहे राजभर जो भी हों जी, वो देशभक्त हैं। वो गाय के दूध में डुबकी लगा लेते हैं तब बीजेपी में जाते हैं जी। वो पूरा दूध से पहले नहाते हैं जी तब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हैं।
जी। और जब बीजेपी से वो निकल जाएंगे जी तो फिर अपराधी हो जाते हैं जी, और वो जो है जी समाज के दुश्मन हो जाते हैं। तो दिनेश बाबू ने जो कहा है गलत नहीं कहा, उन्होंने उनकी भाषा को दोहराया, चूंकि उनकी पार्टी सांसद हैं जी, उनकी पार्टी से राजनीति करते हैं जी, किसी को ये बात उनकी गलत लगे, मुझे गलत नहीं लग रही है जी। अब जैसे हम लोग बिरहा गाते हैं और कोई कहे कि चलो वहां आल्हा गाओ जी, तो हो सकता है, ये तो नहीं हो पाएगा जी। तो बीजेपी का जो नियम है, बीजेपी की जो नीति है जी, बीजेपी का जो संस्कार है, उस संस्कार पर इन्होंने परफेक्ट बात कहा है। क्यों? अभी बीजेपी से कोई भाग के सपा में आ गया, चाहे बसपा में आ गया, चाहे कांग्रेस में चला गया जी, तो उसे कहते हैं कि ये अपराधी थे, ऐसे अपराधियों की बीजेपी में जगह नहीं है जी। और किसी दल से अगर कोई भाग करके बीजेपी में चला गया जी, तो तुरंत बीजेपी कहती है कि ये देशभक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं, ये महानायक हैं, ये समाज सेवक हैं जी, ये सही जगह आ गए, हम इनका सम्मान करते हैं। तो आपके कहने का मतलब सर ये हुआ कि दिनेश लाल यादव जी अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। अपनी परंपरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को निभा रहे हैं। दिनेश लाल निरहू बहुत टैलेंट व्यक्ति हैं जी, और बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। यहाँ सांसद हुए सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन आज से नहीं, मैं 20 साल पहले से जी मेरा संबंध है, परिवार से संबंध है जी। लेकिन दिनेश लाल की प्रतिभा को आंका मैंने जी, और जितना मुझसे टूटा फूटा सहयोग रहा जी, मैं इस बालक के लिए पूरा सहयोग किया हूँ जी। अब दिनेश लाल सांसद हो गए, सारे आजमगढ़ के सारे लोग उनके पीछे पीछे उनके सारे खास बने जी सर। तो इसलिए देखिए जी, दिनेश लाल निरहू बीजेपी से सदस्य हैं जी, बीजेपी से सांसद हैं जी, बीजेपी के नियम को जी, बीजेपी के संस्कार को, बीजेपी के विचार को जी पूर्ण रूप से ये फॉलो कर रहे हैं। ये मेरे गर्व की बात है, क्योंकि मेरा भाई कलाकार है और कलाकारों की यही खासियत होती है जी, हम जहां हैं ईमानदारी से रहें और उनकी विचारधारा का फॉलो करें। निरहू छोटे मोटे सोच वाले व्यक्ति नहीं है जी, मैं जानता हूं कितना तीव्र विचारधारा, कितना बड़ा जीवन और कितना बारीक दिमाग है, कोई नहीं जान पाया है अब तक जी। जब बीजेपी से चुनाव पिछली बार लड़े तो सारे लोगों ने मुझे फोन किया, इनके गांव के लोगों ने भी फोन किया, इनके बहुत सारे हितनातों ने फोन किया कि अध्यक्ष जी आप समझाइए। उनका क्या समझाना उसमें है, सम्मान अगर स्थान मिला है तो लड़ने दीजिए, ये तो लोकतंत्र है, जमहूरियत किसी की बपांसी नहीं है जी। जिसकी जहां इच्छा करे, जहां विचारधारा हो, वहां आदमी रहे, वहां लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर जय भीम।